और शाम्बी कड़ादाम कोतवाली के अंतर्गत आने वाले रहीमापुर कसार में प्रभाकर पुत्र धर्मसिंह के घर में रात लगभग 11 बजे अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखी सारी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। घर के ऊपर सो रहे लोगों ने जब धुआं उठते देखा तो शोर शराबा शुरू किया। शोर शराबा सुनकर आए ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। जानकारी करने पर पता चला कि घर के अंदर रखे 2500 रुपए नकदी सहित जेवरात भी जलकर हुए खाक। परिवार की माने तो आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सुबह सूचना पकड़ मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान अनिल कुमार शर्मा ने हल्का लेखपाल की सूचित कर सरकार द्वारा सहयोग राशि दिलवाने की बात कही। कौशाम्बी से विकास कुमार गौतम की रिपोर्ट। जेवर रखा रहा है, जेवर रहा, कुछ कपड़ा रहा, सब बल गया। और किसी इंसान को तो मतलब को नहीं हुई है? हाँ, बेड रहा है, बेड में आगे लग गया है, वो चादर उदर गद्दा उद्दा सब बेड बर गया है। क्या नाम है आपका? ज्ञानी। कैसे आगे लगी दादी? आगे अब पता नहीं कैसे वो माछुई गए गड्ढा से, हम जान नहीं पावा। रात माँ 12 बजे रात के जान पावा है। लगभग कितना सामान जला है? सामान तो बहुत जला है, 25,000 रुपया जला है, और सामान जितना रहा है सब जलिन रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा कुसुमा देवी। ग्राम पंचायत के रहीमापुर कसार गांव में प्रभाकर शनाप धर्म सिंह, उनके घर में रात में आग लग गई थी, जिसमें लाखों के सामान जलकर राख हो गया है। और बहुत गरीब परिवार है, इसके लिए हमने अपने क्षेत्रीय लेखपाल को अवगत करा दिया गया है, और जो भी सरकारी सहायता होगी वो तहसील के माध्यम से मिल जाएगी। तो घटना किस प्रकार हुई? बताया जा रहा है कि कंडे की आग को समेट कर रख दिया गया था एक जगह, और बहुत कंडे एक कमरे में लगे हुए थे, और उसी की चिंगारी से कहीं सुलग गई और पूरा कमरा जल गया, जिसमें घरेलू सामान, कपड़े और बेड वगैरह ये सब जल गए हैं। बताया जा रहा है कि 25,000 रुपया भी घर में रखा था वो भी जलकर राख हो गया है, जेवरात भी जल गए हैं। इससे किसी इंसान को हानि तो नहीं? कोई आहत नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोग कमरा बंद करके ऊपर छत पर सो रहे थे, और नीचे आग लग गई थी, जब छत गर्म हुई और धुआं निकलने लगा तब इन लोगों को जानकारी हुई, और मौके पर ग्रामीणों ने जाकर आग को